डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही एजाज की बात है कि नीति आयोग ने बारामूला को अवार्ड दिया है। हमारा रैंकिंग जो है 115 डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट रैंकिंग पे आया है, जिसमें एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में हमें सितंबर महीने में अवार्ड मिला है। ये लगातार हमारा चौथा अवार्ड है जो हमें मिला है, और इसका रीज़न यही है कि जो हमने डेवलपमेंट्स की हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, उसमें हमने डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम पे जोर दिया, वो हमारा फोकस एरिया रहा। इसके अलावा लैंडलेस फार्मिंग जो है, जिसमें मशरूम कल्टीवेशन स्पेशली, और इसके अलावा ऑयल सीड्स की कल्टीवेशन या मेज़ कल्टीवेशन, कॉर्न कल्टीवेशन, उस इन फील्ड्स में जो कि हिथर्टो कन्वेंशनल फील्ड्स नहीं थे, उनमें हमने किया, ताकि हमारी डबल क्रॉपिंग से लेकर ट्रिपल क्रॉपिंग पर ईयर तक हम जाएँ। इसके साथ साथ जो अलाइड एक्टिविटीज़ थी एग्रीकल्चर की, जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें एक सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बारामूला ने हासिल किया है। 40,000 से 45,000 लीटर्स पर डे हमारा रिकॉर्ड आउटफ्लो है सरप्लस का, मिल्क का। इसके साथ साथ जो हमारी एडिबल ऑयल्स की प्रोडक्शन है, वो लोकल प्रोडक्शन 3% से बढ़कर 30% हो चुकी है, और हमारा जो ग्रेड ए एप्पल है, उसमें भी हमें रिटर्न्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं इस बारी। एग्रीकल्चर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बहुत सारे नए फील्ड्स में जा रहे हैं, जिसमें कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच हमने अपनाई है, जिसमें फार्मर्स जो हैं वो ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बट अपने साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेरी के यूनिट्स वो भी हम दे पा रहे हैं। इसमें एक खास हमने जो इम्पैक्ट किया है, वो है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने डिफरेंट एरियाज़ में इन्वॉल्व किया। ऑलमोस्ट 80,000 हमारी मेम्बर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में हैं, और वो 80,000 जो है वो 80,000 फैमिलीज़ जो है उसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। हमारा जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है, वो रिकॉर्ड इंक्रीज तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम स्किल डेवलपमेंट में या एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, उसकी भी खासी रिकॉग्निशन मिली है। हमने पिछले बैक टू विलेज में, माई टाउन माई प्राइड में जितने भी बच्चे आइडेंटिफाई हर पंचायत से करने थे, उनमें से 2,000 बच्चों को हमने स्किलिंग के डिफरेंट कोर्सेज में आइडेंटिफाई किया है। 500 के बैचेस जो हैं, 500 बच्चों के, वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किए हैं डिफरेंट आईटीआईज और पॉलीटेक्निक्स में। इसके अलावा जो हमने 8,000 बच्चे आइडेंटिफाई किए थे फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में हमने उनको कैटेगराइज किया, REGP, PMEGP, स्टैंड अप इंडिया, मिशन यूथ, तेजस्विनी, या इसके साथ साथ जो हमारे पोल्ट्री फार्मिंग यूनिट्स हैं, बाकी यूनिट्स हैं, उसमें हमने उनको कैटेगराइज किया है। उनमें से भी 6,000 से प्लस जो है बच्चों को हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत डिफरेंट स्कीम्स से लोन्स दिए हैं, ताकि वो अपने यूनिट्स खोल सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ये सारे जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इससे जो है एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जी लोगों में आई है, एनकरेज हुए हैं कि सरकार जो है वो सैचुरेट करना चाहती है, जितने भी हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं या आउट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम है, वो अपना कुछ यूनिट स्टार्ट करें और उससे अपनी जो है इनकम को बढ़ाएं। इसी को देखते हुए नीति आयोग ने हमें आइडेंटिफाई किया और हमें रिकॉग्नाइज किया, और ये जो 3 करोड़ का हमें अवार्ड मनी मिल रहा है, वो इन्हीं स्पेशली एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के लिए मिल रहा है। वी आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स, लेकिन वो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट महीने वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें भी हमें अवार्ड मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि लगातार जो है इसमें इम्प्रूवमेंट्स करें, और बारामूला जो है एक यूनिक एस्पिरेशनल से एक इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बने सबके लिए।